साई राम बच्चों इससे पहले वीडियो में आपने ऊंट की कविता के बारे में पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने इस कविता को याद भी कर लिया होगा कविता अच्छी है ना सबने याद की तो इस कविता में बच्चों ऊंट के बारे में क्या बताया गया है ऊंट कैसे चलता है ऊंट कितना ऊंचा होता है ऊंट का रंग कैसा होता है और जब ऊंट बैठता है थक कर तो वो किस करवट बैठता है ये किसी को भी नहीं पता होता ठीक है ना बच्चों अब इसी पाठ से संबंधित हम अभ्यास करेंगे ये आपकी पुस्तक का पाठ का पेज नंबर थ्री है यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है झटपट कविता पढ़कर मजा लो नीचे यहां कविता लिखी हुई है ये कविता है कविता की कुछ पंक्तियां हैं आपको इन्हें पढ़ना है जैसे कुछ ऊंट ऊंचा कुछ ऊंच ऊंची कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो जीप लड़खड़ा गई ना कैसी लगी कविता अब इस कविता को अपने मन से नाम दो और ऊपर दी गई जगह में लिखो तो आपको यहाँ लिखना है आपको इस कविता का नया नाम देना है पहले इस कविता का नाम था ऊँट चला तो आप अपनी मर्जी से इसको नया नाम दे सकते हैं जैसे आप कविता का नाम क्या लिख सकते हैं ऊंचा ऊंट या ऊंट ऊंचा तो यहां आप लिखेंगे ऊंट ऊंचा समझ गए बच्चों ठीक है अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं यहाँ दो पिक्चर दी गई हैं और क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न दिया गया है ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ मिलते हैं रेगिस्तान में नीचे दो चित्र बने हैं सही चित्र पर ऊंट का चित्र बनाओ यहाँ दो चित्र हैं जैसे पहला ये है और दूसरा ये है तो आपको चित्र कहां बनाना है यहां रेगिस्तान में सबसे ज्यादा ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो आप चित्र कहां बनाएंगे रेगिस्तान में ठीक है अगला प्रश्न है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है सबसे ज्यादा बालू तो रेगिस्तान में ही मिलती है है ना तो आप क्या लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को लिखेंगे और उसी के साथ उसका उत्तर लिखेंगे ठीक है बच्चों तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेगिस्तान में रेगिस्तान में आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए और लिख सकते हैं नदी तट नदी तट पर और आप लिख सकते हैं समुद्र तट के किनारे ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है अगला अगले पेज पर दूसरा प्रश्न है कितना हिलता डुलता ऊंट, चला इतना ऊंचा, ऊंट, चला अब आपको बताना है यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं ऊंट कितना ऊंचा, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको जैसे तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना दूसरा है हाथी जितना बिजली के खंबे जितना तो ऊंट कितना ऊंचा होता है तुम्हारी कक्षा के दीवार जितना तो आप यहाँ लिखेंगे स्थान में हमारी कक्षा के दीवार जितना पहले से ही लिखा हुआ है आपको लिखना है हमारी कक्षा के दीवार दूसरा प्रश्न है हाथी कितना मोटा ऑप्शन दिए गए हैं आपको तुम्हारी माँ के संदूक जितना ऊंट जितना पहाड़ जितना तो ऊंट कितना मोटा होता है सॉरी हाथी कितना मोटा होता है तुम्हारी माँ के संदूक जितना तो आप यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे हमारी माँ के संदूक जितना जितना पहले से ही लिखा हुआ है आपको केवल हमारी माँ के संदूक केवल इतना लिखना है नेक्स्ट है चीटी कितनी छोटी आप सबने देखी है ना चीटी कितनी छोटी होती है ऑप्शन क्या दिए हुए हैं चीनी के दाने जितनी चावल के दाने जितनी इलायची के दाने जितनी तो इन सब में सबसे छोटा क्या है चीनी का दाना तो चीटी कितनी छोटी होती है चीनी के दाने जितनी तो आप क्या लिखेंगे खाली स्थान में चीनी के दाने जितनी पहले से ही लिखा हुआ है आपको केवल चीनी के दाने यह लिखना है समझ गए बच्चों अगला प्रश्न है कुछ ऊंचा कुछ नीचा कुछ ऊंचा, कुछ नीचा क क भाग में क्या दिया हुआ है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ जो चीज़ें ऊंट उच से ऊंची होती हैं उन चीज़ों पर आपको गोला लगाना है यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे बछिया दूसरा है बिजली का खम्बा तीसरा है आम का पेड़ चौथा है तुम्हारी कक्षा की छत और पांचवा है हाथी और आपका प्रश्न है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ तो आपको इसमें किस किस पर गोला लगाना है बिजली का खम्बा दूसरा है आम का पेड़ और तीसरा है तुम्हारी कक्षा की छत ये सब चीज़ें ऊँट से ऊंची होती हैं इसलिए आपको इन पर गोला लगाना है ठीक है अगला प्रश्न है ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है तो ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके साथ उसका उत्तर लिखेंगे ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है सभी छोटे जानवर ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं बिल्ली कुत्ता खरगोश बकरी आदि ठीक है बच्चों अगला प्रश्न है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे आप किन किन चीजों की मदद से ऊट पर चढ़ोगे तो आप किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ सकते हैं सीढ़ी से चढ़ सकते हैं है ना तो आप क्या लिखेंगे सीढ़ी की मदद से और आप लिख सकते हैं बड़े डिब्बों की मदद से ठीक है तो यहां आपको लिखना है किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे सीढ़ी की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेकर या बड़े बड़े डिब्बों का इस्तेमाल करके भी हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं अगला पेज है प्रश्न है सफर का सामान यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको ऊंची गर्दन ऊंची पीठ पीठ उठाए ऊंट चला ऊंट ये सब उठाकर चलता है क्या ऊंची गर्दन पीठ गर्दन और पीठ उठाकर कौन चलता है ऊंट प्रश्न है बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे जैसे पहला है हाथी तो हाथी क्या उठाकर चलेगा सूंड और और क्या उठाकर चलेगा बोझा और सवारी तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर सूंड सवारी बोझा ठीक है बच्चों नेक्स्ट है टीचर तो बच्चों टीचर जी क्या उठाकर चलेंगी रजिस्टर कॉपी किताब पेन आप कुछ भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है पिताजी पिताजी क्या उठाकर चलेंगे जैसे बैग मोबाइल सामान आदि नेक्स्ट है शेर शेर क्या उठाकर चलेगा पूँछ सिर और शिकार नेक्स्ट है दादाजी दादाजी के हाथ में क्या होती है छड़ी तो दादाजी क्या उठाकर चलेंगे छड़ी और चश्मा और क्या उठाकर चलेंगे कलम नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है नीचे कुछ शब्द लिखे हैं इन्हें बोलकर देखो अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूं आप भी मेरे साथ उन शब्दों को दोहराना पहला है जूट जूट दूसरा है सूट नेक्स्ट भला धस हंस तब कब गला आलू चालू अब आप इन शब्दों को नीचे खानों में लिखेंगे मिलते जुलते शब्दों को जैसे यहाँ पहले से ही आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया है ऊँट जूट तो आप पहले खाने में क्या लिखेंगे सूट और क्या लिखेंगे जूट और सूट नेक्स्ट है बालू बालू में आप क्या लिखेंगे आलू और चालू यहां लिखेंगे आलू यहां चालू नेक्स्ट है फस, फस से मिलता जुलता शब्द क्या है धस तो आप यहां लिखेंगे धस उसके बाद आप लिखेंगे और मिलता जुलता कौन सा शब्द है हंस तो आप यहाँ लिखेंगे हंस नेक्स्ट है चला चला से मिलता जुलता शब्द क्या हुआ गला तो आप यहाँ लिखेंगे गला और, और कौन सा शब्द मिलता जुलता है भला तो आप क्या लिखेंगे भला अगला है जब जब से मिलता जुलता शब्द कब आप यहाँ लिखेंगे कब और मिलता जुलता शब्द कौन सा है दूसरा तब और उसके नीचे लिखेंगे तब तो ये मिलते जुलते शब्द आप यहाँ लिखेंगे नीचे खानों में अगला प्रश्न है ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो जैसे आप लिख सकते हैं आना जाना और खाना और भी लिख सकते हैं आप सोचकर अगला प्रश्न है पेज नंबर सिक्स अक्षर की बात कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो आपको कविता देखनी है और कविता में ब से शुरू होने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है और जैसे ये कविता है तो कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द जैसे बालू ब से शुरू है बालू तो आपको इसके नीचे रेखा खींचनी है बोझ तो बोझ के नीचे आपको रेखा खींचनी है और कौन सा शब्द है बैठेगा तो आपको बैठेगा के नीचे रेखा खींचनी है समझ गए बच्चों अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से चार शब्द लिखो जैसे मेरा नाम ग अक्षर से शुरू होता है तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कैसे आपको लिखना है जैसे ग से गंगा और ग से गमला ये सभी ग से शुरू हो रहे हैं और दो अक्षर और लिखने हैं जैसे ग से गीता जैसे ग से गाना ऐसे ही आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसी अक्षर से आपको चार शब्द लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू है तो होने दो बोझ ऊंट को ढोने दो बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या तुम्हें ठीक लगता है और क्यों जानवरों कुछ जानवर होते हैं जिनके ऊपर बोझा सामान ढोया जाता है ठीक है क्या आपको अच्छा लगता है या आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको क्यों अच्छा लगता है और क्यों अच्छा नहीं लगता है ये आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे विचार करके तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझा उठाते हैं आपके आसपास कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो बोझा उठाते हैं ठीक है ठीके? आपको उनके यहाँ नाम लिखने हैं अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ एक छोटी सी कविता की लाइन लिखी हुई है आपको उस कविता को आगे बढ़ाना है जैसे अक्की वक्की करें तरक्की इसी कविता को और आपको आगे बढ़ाकर लिखना है जैसे आप लिख सकते हैं दोनों की यारी हो पक्की कभी न हो धक्का मुक्की आप ऐसे लिख सकते हैं और आपके मन में दूसरी कविता आती है आप उसे भी लिख सकते हैं ये कविता आप अपने मन से लिखेंगे अगला प्रश्न है कितने ऊंट इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ आपने जो कविता पढ़ी है उस कविता में कितने बार ऊंट शब्द आया है उन शब्दों को आपको कितनी बार काउंटिंग दस बार या पंद्रह बार वो आपको यहाँ खाली स्थान में लिखना है आप यहाँ लिखेंगे कविता देखेंगे उसमें कितनी बार ऊंट शब्द आया है यहाँ लिखना है आपको नेक्स्ट अगला प्रश्न है नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ यहाँ बहुत सारे ऊंट बने हुए हैं आपको उन्हें ध्यान से देखना है और गिनना है और गिनकर उन्हें आपको लिखना है कि यहाँ पर कितने ऊँटों का चित्र दिया हुआ है पचास पचपन जितने भी ऊंट हैं आप गिनेंगे उन्हें पहले और उसके बाद उनका नंबर नीचे लिखेंगे कि ऊँट कितनी संख्या में ऊँटों का चित्र कितनी संख्या में बना हुआ है तो मुझे आशा है बच्चों आप सभी को इस पाठ का अभ्यास समझ में आ गया होगा आप इस अभ्यास को अपनी कॉपी में ध्यान से करेंगे लेख बहुत सुंदर होना चाहिए और शब्दों को बोल बोल कर लिखेंगे